Hi everyone, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड वेलकम टू अन अकेडमी. आई एम बायोलॉजी एजुकेटेड इन नीट यूजी कैटेगरी फॉर पास्ट 10 ईयर्स. सो आज बेटा हम बात करने वाले हैं जिन बच्चों ने अगले साल पेपर देना है, यानी कि जो बच्चे 11th कर चुके हैं, अभी 12th में आए हैं एंड दे वांट टू अपीयर फॉर नीट 2024. अगर कोई ड्रॉपर भी इसने सोच रखा है कि मुझे अगले साल ही सीरियसली पेपर देना है, तो ये सेशन उसके लिए भी है. तो आप लोग मोस्टली जो भी बच्चे 12th में आए हैं, उनको डर होता है कि मैम मेरी तो 11th बर्बाद होगी. तो पहले तो आप मुझे कमेंट्स में ये बताओ किस किस को ऐसा फील होता है 11th इज बर्बाद, क्योंकि बड़ा कॉमन है. आफ्टर 11th क्लास एवरीवन फील्स कि यार मेरा एक साल बर्बाद हो गया, मैं उतना सीरियस नहीं हो पाया जितनी सीरियसनेस नीट के लिए है. नो मैटर, अभी आपके पास पूरा का पूरा एक साल है. इस एक साल को भी आप बहुत अच्छे से यूज करेंगे ना, देन देयर आर हाई चांसेस कि आप अपने गोल मार्क्स तक पहुंच पाए. ठीक है जी, तो वन बाय वन बेटा शुरू करते हैं कि आपको एक साल में ऐसी कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है. वैसे तो आप खुद बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छी जगह से पढ़ भी रहे होंगे, बट टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट फ्यू की पॉइंट्स जिनको तो आपको माइंड में रखना ही है अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं नीट के एग्जाम के बारे में. तो सबसे पहले आपको इस एग्जाम की नॉलेज होनी चाहिए. आई एम श्योर कि सब बच्चों को पता है कि आप लोग डॉक्टर बनने वाले हैं. डॉक्टर बनने के लिए जो एग्जाम होता है उस एग्जाम का नाम है नीट यूजी. ठीक है, इस नीट यूजी को क्वालिफाई करते हो तभी तुम्हें किसमें एंट्री मिलती है, एमबीबीएस के कोर्स में एंट्री मिलती है. अब इस नीट यूजी का आपको सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, स्पेशली आने वाले सालों के लिए, क्योंकि सिलेबस हाल ही में एनसीईआरटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस को रैशनलाइज कर दिया है. रैशनलाइज करने का मतलब है सिलेबस में से काफी चैप्टर्स निकाल दिए हैं. लेकिन मैं आपको क्लैरिटी दे दूं, अभी एनसीईआरटी ने तो सिलेबस को क्या किया है, रैशनलाइज. अभी रैशनलाइज सिलेबस 100% फॉलो होगा आपके सीबीएसई में. यस, दिस रैशनलाइज सिलेबस 100% फॉलो होगा सीबीएसई में. लेकिन क्या ये रैशनलाइज सिलेबस नीट में भी फॉलो होगा, इसका कंफर्मेशन हमें एनसीईआरटी नहीं देता है. इसका कंफर्मेशन पेपर कंडक्टिंग एजेंसी देती है. अब के समय तक पेपर कंडक्टिंग एजेंसी कौन सी है, एनटीए. हो सकता है आपके समय तक ये चीज एनएमसी के पास आ जाएगी या फिर किसी और के पास चली जाएगी, हम नहीं कह सकते. तो अभी सिलेबस रैशनलाइज सीबीएसई पर तो एप्लीकेबल है 100%, लेकिन नीट पर अभी के लिए आज के डेट तक एप्लीकेबल नहीं है. जब तक एनटीए या फिर फ्यूचर पेपर एजेंसी इसको कंफर्म नहीं करती, तब तक हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते. तो अभी के लिए यार अपना पुराना सिलेबस चल रहा है जो आपके सीनियर्स यानी कि नीट 2023 जिस उसको दे रहे हैं. तो ये सिलेबस आप सबके पास होना चाहिए. कल को मान लो सिलेबस कट हो गया तो अच्छी बात है ना, आप बस उस उन टॉपिक्स को निकाल देना. तो अभी जो करंट सिलेबस है सब बच्चों के पास उसका प्रिंट आउट होना चाहिए. देखो, अब जो 11th में हो गया उसको भूल जाओ, उस चीज को मैं चेंज नहीं कर सकती, कोई चेंज नहीं कर सकता. जाकर दोबारा हम वो एक साल नहीं लेके आ सकते हैं. बट हाँ, अगर हमने एक साल में कम मेहनत करी है तो अगले साल हमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी. ठीक है, तो आप जाइए सिलेबस का क्या लेकर आइए, प्रिंट आउट लेकर आइए और उसको अपने सामने पेस्ट कर लीजिए. ठीक है, स्टडी टेबल के सामने पेस्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यार सिलेबस में क्या होता है. चैप्टर नेम है, आगे सब टॉपिक होता है, तो जो जो सब टॉपिक होता जा रहा है उसको आप हाईलाइट करते जाएंगे, आपको भी क्लैरिटी रहेगी कि भैया मेरा कितना हो गया. ठीक है, तो ये पहला रिसोर्स है आपका. दूसरा रिसोर्स जो आपको यहां पर ध्यान रखना है, दैट इज अबाउट द बुक्स, कि कौन सी बुक्स आप फॉलो करें. देखिए, अब बहुत ही आपको चूजी होना पड़ेगा. हर किताब नहीं पढ़ सकते, हर मॉड्यूल नहीं पढ़ सकते, हर कोचिंग से नहीं पढ़ सकते आप. ठीक है, हर कोचिंग से नहीं पढ़ सकते, हर किताब नहीं पढ़ सकते. तो बुक्स बहुत सोच समझ के लेनी होती है यार, मार्केट बुक से भरा पड़ा है. लेकिन मैं आपको बहुत क्लियर कट तरीके से बताती हूं, अगर आप फॉलो कर रहे हैं नीट को, भैया नीट में आती है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी पढ़ाते हो बेटा, मुझे बहुत साल हो गए हैं एंड मेरे पढ़ाए हुए बच्चे बायो में 340 से नीचे स्कोर जनरली नहीं करते अगर उन्होंने पूरे दो साल मेरे से पढ़ाई की है. तो आई गेस आई एम द बेस्ट पर्सन टू टेल यू कि बायो में आपको क्या फॉलो करना है, और वो फॉलो करना है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी. आप लेटेस्ट एनसीईआरटी, खैर अभी मार्केट में लेटेस्ट ही मिल रही है, मोस्ट प्रोबेबली आपका सिलेबस भी रैशनलाइज करना पड़ेगा उनको, लेट मी टेल यू, क्योंकि मार्केट में पुरानी एनसीईआरटी है ही नहीं मोस्ट प्रोबेबली, बट स्टिल वी नीड सम कंफर्मेशन. तो एनसीईआरटी लेटेस्ट लेकर आइए. इस एनसीईआरटी का आपके पास सॉफ्ट कॉपी भी होना चाहिए, हार्ड कॉपी तो आप खरीदेंगे ही खरीदेंगे. ठीक है, ये सॉफ्ट कॉपी आप एनसीईआरटी की एक ऐप आती है जिसका नाम है ई पाठशाला. क्या ऐप का नाम है, ई पाठशाला. आप उस ऐप से जाकर सारी एनसीईआरटी को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने ट्रैवल के पर्पस के लिए इसको आसानी से यूज कर सकते हैं. तो एक तो अपने पास एनसीईआरटी रखनी है, साथ ही बेटा आपके पास अगर पहले नहीं है तो एक लेटेस्ट पीवाईक्यूज की बुक जरूर खरीद लो, साथ ही में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपके पास होना चाहिए. अगर ये सारी चीजें आपने पढ़ ली, ठीक है, आपने नोट से पढ़ा, एनसीईआरटी से पढ़ा, पीवाईक्यू करे, एग्जाम्पलर करे, दैट इज इट, दिस इज सफिशियंट फॉर बायोलॉजी बेटा. बायोलॉजी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इससे बाहर आपको कुछ आएगा ही नहीं आएगा. एंड अगर मैं बात करूं आपकी नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स,
दोनों के केस में बेटा क्लास नोट्स, वैसे तो बायो में भी, बट इन दोनों में कोई अच्छे से बुक नहीं होती है, मोस्टली क्लास नोट्स होते हैं और आपके मॉड्यूल होते हैं जिस भी आप जगह से आप पढ़ रहे हैं। तो क्लास नोट्स को बहुत अच्छे से देखना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेटा आपको एनसीईआरटी अगेन बायो की तरह पढ़नी पड़ेगी। तो अगर बुक्स की बात करें तो पीवाईक्यू एग्जाम्पलर तीनों में, एनसीईआरटी केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी में, और एक चीज जिसकी इंपॉर्टेंस आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, चाहे बेटा आप पहले ये चीज करते हैं नहीं करते, अब आपको करनी पड़ेगी, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योर ओन हैंड रिटन नोट्स। नोट्स वो नहीं होते कि जैसे कॉलेज में बनाते हैं ना बच्चे की, टीचर लेक्चर लेके चला गया और फिर आप घर पे बैठ के उसको बुक में से देख के नोट्स बना, नो वो नोट्स नहीं है। नोट्स का मतलब होता है आपको अपना टीचर का चयन ऐसे करना है क्योंकि जो आपको क्लास के दौरान हैंड रिटन नोट्स बनवाए, आप ये देख सकते हैं मैं इस तरीके से क्लास के दौरान हैंड रिटन नोट्स बनवाती हूँ, आप मेरा लिंक ट्री जाके चेक कर सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। आप गूगल पे डालिए लिंक ट्री सीप पहुजा, linktr.ee/seep.pahuja, ठीक है, इस पर आप जाइए, आप 11th का पोर्शन खोलना या फिर 12th वाले सेक्शन में चले जाना। मैंने एक एक चीज प्रॉपर हैंड रिटन फॉर्म में करवाई हुई है, तो उस तरीके का टीचर आपको, टीचर्स आर लेजेंडरी एवरीवेयर, हर जगह बेटा दे आर ऑसम, आप किसी को भी चूज करिए, लेकिन जहां पर हैंड रिटन नोट्स बनते हो, क्योंकि एक साल बाद जब पेपर होगा ना तो आप इन्हीं नोट्स से रिवाइज करेंगे, तब आपको किसी और टॉपर ऑपर के नोट्स नहीं चाहिए, आप खुद टॉपर हैं। यू नेवर नो, अगर आप मेहनत करके यू कैन बिकम अ टॉपर, तो अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने नोट्स के ऊपर भरोसा रखो, अपने टीचर के ऊपर भरोसा रखो। तो नोट मेकिंग आपको तीनों सब्जेक्ट में रखनी है, प्रॉपर कॉपीज लगाइए चारों सब्जेक्ट की, बॉटनी जूलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, और उनमें डे वन से अपने खुद के क्लास के दौरान नोट्स बनाने शुरू करो, ताकि तुम इन्हीं नोट्स को बारी 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 क्या कर पाओ, रिवाइज कर पाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना क्लास चूज करना है, इस तरीके से आपको अपना टीचर चूज करना है जो आपको हैंड रिटन नोट्स बनवाता हो और जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो अच्छे से मैच होती हो। अब इस समय बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि मैम मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ऑनलाइन कोचिंग लूं या फिर बेटा ऑफलाइन कोचिंग लूं। देखिए दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है, टीचर दोनों जगह बहुत अच्छे हैं, टीचरों में कोई कमी नहीं है, उसी एक क्लास से टॉपर भी निकलता है, उसी एक क्लास से एक ऐसा बच्चा भी होता है जिसका सिलेक्शन नहीं होता। सो इट इज नॉट कि वहां टीचर अच्छा है यहां टीचर, नो, टीचर के मामले में देखिए तो दोनों चीजें सेम है। ऑनलाइन में अगर मैं आपको बताऊं, इसमें बेटा आप अपने घर के कंफर्ट में पढ़ाई कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपके पास अपने घर का कंफर्ट है, आपके पास अपने घर का होम कुक्ड फूड है, आपके पास रहने की जगह है, ये थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव भी है, पैसा कम देना पड़ता है इसमें, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन जाएंगे एक तो उस कोर्स की फीस ज्यादा होती है और साथ में आपको हॉस्टल का फीस भरना पड़ेगा। देखिए अब वो जमाना गया जिसमें लोग कोटा जाते थे, दिल्ली जाते थे कि वहाँ बढ़िया कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ से पढ़ेंगे। अब जितने टीचर कोटा दिल्ली में पढ़ाते थे बेटा, वही टीचर ऑनलाइन पढ़ाते हैं। आई यूज्ड टू टीच इन दिल्ली, वेरी बिग ब्रांच ऑफ अ लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट, 5 साल तक पढ़ाया, तो वहाँ बच्चे आते थे, हॉस्टल के लिए पैसा देते थे, वहाँ भी लाखों रुपये देते थे, लेकिन अब वही टीचर आपको ऑनलाइन में या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में पढ़ा रहा है, तो क्वालिटी कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर तो बेटा आप इतने सिंसियर हैं, इसमें सिंसेरिटी लगती है बेटा, क्योंकि इसमें टीचर आके रोकता नहीं है कुछ, आपको खुद से सिंसियर होना पड़ेगा। अगर आप इतने सिंसियर हैं कि यार मैं खुद से पढ़ सकता हूं, मैं हार्डवर्क कर सकता हूं, मैं टीचर को अच्छे से फॉलो कर सकता हूं, तो आपको ऑनलाइन ही करना चाहिए, बहुत टाइम सेविंग है बेटा। ऑफलाइन में बच्चे एक तो हॉस्टल का खर्चा करते हैं या फिर घर में भी रह रहे हैं, तो घर से कोचिंग आना, अगेन ऑटो करना, टाइम लगता है, आधा घंटा बस में लगता है, फिर वापस जाना, तो ये टू एंड फ्रो एवरी डे होता है, डाउट क्लास के लिए इंतजार करना, पेपर के लिए इंतजार करना, नो नीड टू डू दिस, आप ये सारी चीजें ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट है कि नहीं मुझे तो भैया सामने से ही पढ़ना है, मेरे को ऐसे फील नहीं आती, तो इट्स योर चॉइस, इट्स योर पर्सनल चॉइस, आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, आप मेरे से भी ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं और आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, आप अपने फेवरेट टीचर से। मैंने ना नीचे एक लिंक दिया हुआ है, पिन किया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कॉमेंट में भी, अगर आप ऑफलाइन किसी सेंटर में मेरे से पढ़ना चाहते हैं, मेरी गाइडेंस चाहते हैं, तो आप यार उस फॉर्म को जरूर भरना और मुझे बताना आप किस जगह पर हो, आई विल श्योरली प्लान अ विजिट ओवर देयर, ओके। तो अपने अपने फायदे नुकसान है, बट टाइम सेविंग, कॉस्ट सेविंग, पेरेंट्स का भी पैसा बचेगा, पेरेंट्स के साथ भी रह लोगे, उसमें बेटा ऑनलाइन है। बाकी अगर आपके शहर में ही है कोई, बहुत नजदीक है आपको, ज्यादा फिजिबल लगता, तो आप ऑफलाइन जाइए। देखिए मैटर ये नहीं करता कि इंस्टीट्यूट क्या है, मैटर ये करता है कि आप उससे कैसे बेनिफिट लेते हैं। ऑनलाइन से भी बेटा हमारे इंस्टीट्यूट से रैंक 43, रैंक 44, इनफैक्ट 47, बहुत सारे रैंक्स आए, ऑल इंडिया रैंक आए,
तो रैंक कहीं से भी निकलता है, आपकी सिंसेरिटी होनी चाहिए। तो ये मेरा पर्सनल चॉइस है, राइट, पर्सनल चॉइस है। दूसरा चीज आती है कि यार मैम मेरी तो क्या होगी, इलेवेंथ बर्बाद होगी, तो अब मैं क्या करूं, अकेले ट्वेल्थ से तो होगा नहीं। बहुत सही बात है। देखिए बेटा, अभी तो आप ट्वेल्थ का सिलेबस शुरू करेंगे, किसी भी कोचिंग में जाएंगे, लेकिन मैं एक एडवाइस आपको दूंगी कि साथ साथ आपको इलेवेंथ का रिविजन जरूर करना चाहिए, ठीक है। आप एक्स्ट्रा अपने टाइम टेबल में 1.5 आवर डेली निकालें, डेली निकालें और उसमें इलेवेंथ का रिविजन करें। बायो के रिविजन के लिए अगेन फॉलो माई लिंक ट्री, इलेवेंथ का लिंक ट्री फॉलो करो और बस उसको देख लो, उसके नोट्स बना लो। जैसे जैसे तुम्हारी, देखो ट्वेल्थ का सिलेबस कम होता है, इलेवंथ का ज्यादा होता है, इलेवंथ थोड़ी टफ भी है, तो आपको डेली कम से कम डेढ़ घंटा, ज्यादा हो सके तो 3 घंटे भी दो, कम से कम डेढ़ घंटा बेटा आपको देखना ही देखना। गूगल पे डाली सिर्फ पाहुजा लिंक ट्री, आप सारी की सारी इलेवंथ साइमल्टेनियसली ट्वेल्थ के साथ जरूर रिवाइज कर सकते हैं, और करना चाहिए आपको। अगर देखो जब हम खुद गलती करते हैं ना, ये गलती हुई हमसे, एक साल निकला, बच्चे तो 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, बट इम्पॉसिबल नहीं, गलती हुई उसका पछतावा करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी, बस कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, एक्स्ट्रा मेहनत के लिए चूको मत। फिर ये मत करो अरे वो तो 2 घंटे पढ़ के निकल गया, अबे को 6 घंटे, तुम यार लेट भी तो शुरू किए हो ना, सबका एंडिंग पॉइंट एक है। एक बंदे ने रेस 4 साल पहले चालू कर दी थी, तुम अभी इतनी लेट रेस चालू कर रहे हो, तो तुमको तेज दौड़ना पड़ेगा, वो अपनी नॉर्मल स्पीड से दौड़ रहा है, ये तो बेटा दुनिया का दस्तूर है, ठीक है। तो इलेवंथ को बेटा साथ साथ आप रिवाइज करते जाइए, अपने रिसोर्सेज को पता रखिए, प्रॉपर नोट्स बनाने की हैबिट रखिए, और आज अभी ही डिसाइड कर लीजिए मुझे कहां पढ़ना है, कहां पढ़ना है ये बिल्कुल क्लियर रखिए, किससे पढ़ना है, यूट्यूब पे भी पढ़ना है ना, वहां से भी कर सकते हो, किससे पढ़ना है उस टीचर को बिल्कुल बुकमार्क करके रखो, उसको फॉलो करके रखो, एंड उसी टीचर्स के लेक्चर आप देखिए, टीचर सब अच्छे हैं, आपकी फ्रिक्वेंसी जिससे मैच होती है आप उसको चूज करके आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और साथ ही में अपने पूरे रूटीन में, मैं नहीं बताऊंगी कि आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है बेटा, आपको अपना रूटीन खुद सेट करना है। इस रूटीन के अंदर कम से कम 8 आवर की आपकी स्लीप होनी चाहिए, ठीक है। 5 आवर का आपका मिसलेनियस के लिए मैं रख देती हूँ, जिसमें हम नहाएंगे, खाएंगे, घूमेंगे, ये सब चीजें। बाकी का रेस्ट ऑफ द डे आपको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, डिवाइड इट इंटू 3 पार्ट्स। इन 3 पार्ट्स में आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायो भी पढ़नी है। इनमें प्रॉपर क्लास के नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने के बाद उसके PYQ सॉल्व करने हैं। सेम गोज फॉर केमिस्ट्री, सेम गोज फॉर बायोलॉजी, नोट्स, PYQ, देन NCERT। ये 3 चीजें आपको अपने साथ गांठ बांध लेनी है। क्या? क्लास में नोट्स बनाए, क्लास के बाद जाकर उसकी NCERT पढ़ी और उसके PYQ करे, दैट्स इट। अगर आपने 3 चीजें भी कंसिस्टेंटली कर ली, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। साथ ही में बेटा, अब आप आ चुके हैं 12th में, तो आपको मंथली मॉक टेस्ट, डेली नहीं, मंथली मॉक टेस्ट देने अब शुरू कर देने चाहिए, ठीक है। प्रॉपर मॉक टेस्ट दीजिए, जिसमें धीरे धीरे पहले आप 360 नंबर का दीजिए, फिर नंबर बढ़ा के 720, हैबिट बननी चाहिए ना हमें 3 घंटे बैठने की, अल्टीमेटली तो 3 घंटे का ही पेपर है, 3 घंटे 20 मिनट का। तो मंथली मॉक टेस्ट अब 1 महीने के बाद देना चालू कर दो। आपके जो सीनियर्स हैं वो तो बेटा रेगुलर दे रहे हैं, डे में 2-3 दे रहे हैं, ठीक है। आपको मंथली मॉक टेस्ट देना शुरू करना है, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर उसके साथ है। एक और बच्चों का डाउट आता है कि मैम हम ना CBSE से हैं या फिर किसी भी बोर्ड से हैं, हम सोच रहे हैं इस साल ना CBSE कर लेते हैं, नीट के लिए अगले साल ड्रॉप करके करेंगे, वो ज़्यादा आसान है। नहीं बेटा, वो आसान नहीं, वो ज़्यादा टफ है। डोंट बी अ ड्रॉपर व्हेन यू कैन बिकम अ टॉपर। आपके पास तो समय है। CBSE में क्या आता है बताओ, CBSE में क्या आता है? NCERT आती है भाई, NCERT तो नीट में आती है, क्या डिफरेंट है? एक्सेप्ट इंग्लिश एंड योर 5th सब्जेक्ट, जो सबसे आसान लेंगे आप, फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, ये सब लिया करो, डिफिकल्ट टॉपिक मत लिया करो, ठीक है। ये दोनों चीजों के अलावा बाकी तो PCB सेम है। आप फालतू में अपना ईयर बर्बाद कर देंगे अगर आप अभी से CBSE का प्लान बना के चलेंगे। और मैं आपको बता दूं, 12th के मार्क्स से अब कहीं ज्यादा अच्छी जगह एडमिशन नहीं होता है, क्योंकि सारी सेंट्रल अच्छी यूनिवर्सिटीज ने एक अलग टेस्ट कर दिया है, दैट इज CUET। वो CUET के थ्रू एडमिशन लेती है, वो मार्क्स नहीं देखते हैं आपके 12th के, बस आपके 70% से ऊपर हो सब सॉर्टेड है, हर जगह एडमिशन मिलेगा। तो आप अपनी प्रायोरिटी सेट करिए, ठीक है, प्रायोरिटी सेट करिए कि भैया मेरी प्रायोरिटी है क्या, क्या मुझे डॉक्टर बनना मेरी प्रायोरिटी है, या फिर CBSE में 99% लेना मेरी प्रायोरिटी है, बस उस हिसाब से काम करो। अगर डॉक्टर बनना आपकी प्रायोरिटी है ना, तो इस पे ज्यादा फोकस मत करो, ये ऑटोमेटिक है, हर बच्चा करता है, ठीक है। बच्चे डमी एडमिशन लेके CBSE में इतना अच्छा स्कोर कर लेते हैं, आप तो फिर थोड़ा बहुत रेगुलर जाएंगे। मैं तो कह रही हूँ कम से कम स्कूल जाइए, ताकि आप अपना पूरा अटेंशन नीट को अच्छे से दे पाए। तो अगर आपकी प्रायोरिटी बेटा ये है, एक साल बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसी साल 7 में निकालते हैं, बच्चे आपके एग्जाम्पल है। और मैं आपको बता दूं, ड्रॉपर जनरली एक ड्रॉपर टॉप 100 में, टॉप 1000 में कम होते हैं।
आप देखेंगे 12th क्लास वाले बच्चे हमेशा टॉप करते हैं. आप कोई टॉप 3 टॉप 10 निकाल लो, मोस्टली 99% दे आर क्लास 12th, बिकॉज उनका एक मोमेंटम बना होता है, उनको एक पढ़ने की आदत होती है. ये सब चीजें तो बेटा बोर्ड वोर्ड साथ में चलता रहता है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है. जब आप नीच की कोचिंग ले रहे हो ना, वो बोर्ड के लिए भी एप्लीकेबल है. कोई अलग से ट्यूशन, कोई कोचिंग, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो अगर आप किसी भी बैच में एनरोल हो, मेक श्योर अगर आपका ड्रीम डॉक्टर बनना है तो नीट वाला बैच हो. सीबीएसई की आपको कोई जरूरत नहीं है. इंग्लिश थोड़ा बहुत आप खुद कर लेते हैं और बाद में यू नो इतना आप स्कूल से मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, तो क्लैरिटी रखना अपने थॉट्स में कि भैया मैं डॉक्टर बनने आया हूं और डॉक्टर ही बन के जाऊंगा और ऐसे ही बना जाता है डॉक्टर. ठीक है, मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल. तो आज से अपना प्लान बिल्कुल डिसाइड कर लो, मुझे यहां पढ़ना है, इससे पढ़ना है. अपना टाइम टेबल सेट कर लो और इस पूरे टाइम टेबल में आपके पास कुछ समय रिवीजन का भी होना चाहिए. बिना रिवीजन के तो बेटा आज तक किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, कितने बड़े तोप हो तुम. ठीक है, रिवीजन करो. जितना हफ्ते में पढ़ा दिया संडे को रिवाइज करो, जितना 20 डेज में पढ़ा दिया उसको नेक्स्ट संडे करो, और जितना डेढ़ महीने में पढ़ा दिया उसको मॉक टेस्ट दीजिए. रिवीजन रिवीजन रिवीजन. जैसे मैंने आपको बताया ना, 11th बर्बाद है तो 11th को रिवाइज करो, साथ साथ में 12th भी रिवाइज करो. ओनली वन की कैन टेक यू टू योर ड्रीम्स एंड दैट इज द पावर ऑफ रेपिटेशन. बच्चों को लगता है ये तो पढ़ा हुआ है, अभी तो पढ़ा था, क्वेश्चन देने बैठोगे तो लगेगा सब भूल गया. ठीक है, इसीलिए उसको दोबारा दोबारा देखना, अपने नोट्स को दोबारा पढ़ना, अपनी एनसीईआरटी को दोबारा पढ़ना बहुत जरूरी है. ठीक है, साथ में बात करते हैं बेटा बेस्ट बुक्स की. तुम अच्छा, बुक्स की मैंने बात कर ली है, यस बुक्स की तो बात हो गई है. तो बेस्ट बुक्स बेटा मैंने आपको बता दी है, ये रही आपके नोट्स ही आपकी बेस्ट बुक्स है और एनसीईआरटी आपकी बेस्ट बुक है. अब बेटा आप जब भी एनरोलमेंट लें किसी जगह पर, किसी भी जगह पर एनरोलमेंट लें, तो एक चीज बेटा बहुत ध्यान से याद रखना कि ऐसी जगह एनरोल होइए जहां पर आपको प्रॉपर टीचर से फ्रीक्वेंसी मैच होती हो, उस टीचर से आप करेक्ट कर पाए, गाइडेंस मिले, मेंटोरशिप मिले, आपको टाइम टू टाइम काउंसलिंग मिले, आपको सारी प्रैक्टिस शीट डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर, आपको सारे क्या मिले, पीवाईक्यूज मिले. अब ये सारी चीजें मैं अपने आने वाले बैच में प्रोवाइड कर रही हूं, करती भी आ रही हूं हमेशा. आप किसी बच्चे से पूछ लीजिए, मेरे दो बैच स्टार्ट हो रहे हैं. अगर आप 2024 को एम कर रहे हैं तो आपके लिए है बेटा मेरा विश्वास बैच. अगर आप 2025 को एम कर रहे हैं तो आपके लिए है बेटा मेरा आरंभ बैच. अनअकैडमी पे चलता है, उसकी ऐप पे आप मेरे डेमो लेक्चर्स के लिए मेरा लिंक ट्री देख सकते हैं, आपको सब समझ आ जाएगा कि मैम कैसा पढ़ाती हैं. प्लस में बेटा एक लेवल प्लस ही होता है, माइनस नहीं होता है. ठीक है, तो इन दोनों बैचेस में एनरोल करने के लिए अभी आपको सबसे सही समय मिल रहा है, बिकॉज नाउ 25% इज गोइंग ऑन. हाउ मच? 25% ऑफ इज बेटा जी गोइंग ऑन. ठीक है, 2024 के लिए भी और 2025 के लिए भी. तो आप देख सकते हैं आपको कितना बड़ी ऑफर मिल रहा है इसमें. आपको अगर आप लगाते हैं ये 25% ऑफ मिलेगा बाय अप्लाइंग द कोड सीप लाइव. ठीक है, सीप लाइव, सीप मेरा नाम है, लाइव लगा देना आगे. इस कोड को लगाने पे 25% ऑफ मिलता है. साथ ही में आपको ये सारी चीजें एक्सक्लूसिवली मेरी तरफ से मिलेंगी. ठीक है, सारा स्टडी मटेरियल, हैंड रिटन नोट्स तो मैं क्लास में कराती हूँ, काउंसलिंग, मेंटोरशिप, एवरीडे डीपीपी एंड पीवाईक्यूज की पूरी लिस्ट. ठीक है जी, तो लिंक में डलवा दे रही डिस्क्रिप्शन में, आप लीजिए आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन. मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि बेटा जब आप प्लस या आइकॉनिक लेते हैं ना, तो आपको दोनों उन सब्सक्रिप्शन में इस बैच के साथ साथ सारे बैचेस जितने अनअकैडमी पे वो दिखने लग जाते हैं. इट इज लाइक द सब्सक्रिप्शन ऑफ नेटफ्लिक्स. नेटफ्लिक्स पे आपने एक बार पैसा भरा, सारी मूवी देख सकते हो ना. ऐसा तो नहीं कि एक मूवी को रेंट करने का 50 रुपया अलग है, दूसरी मूवी के लिए 50 अलग है. नहीं, इट इज ऑल्सो द सेम. आप प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लें, ठीक है, मुझे बताएं, सीप लाइव कोड लगाएं, आप मेरे बैचेस के साथ साथ जितने भी अच्छे अनअकैडमी के टॉप टीचर्स हैं सबका बैच देख पाओगे, सबके लेक्चर्स को एक्सेस कर पाओगे. एंड अभी बेस्ट मौका चल रहा है लिमिटेड पीरियड के लिए, और इसमें आपको इस समय लेने पर 3 मंथ्स का एक्सटेंशन भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. मतलब 12 महीने का ले रहे हो तो 15 महीने का मिलेगा, 24 का ले रहे हो तो 3+ मिलेगा आपको. ठीक है जी, चलिए, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा. YouTube पे भी बेटा इसके लेक्चर्स आएंगे, लेकिन 2023 एग्जाम के बाद आएंगे. तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बताइएगा आपकी 11th में आपको कितना परसेंट सिलेबस हो चुका है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा. थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर.